पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के ट्रैक क्रॉस करते समय एक रिटायर्ड शिक्षक की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई, जिसके बाद उसकी बॉडी को जीआरपी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि लाइन पार स्थित कपूर कंपनी पुल पैदल चलने वालों के लिए भी बंद है। इसके चलते लोग पटरियों से क्रॉसिंग कर रहे हैं, जिसके कारण राजकीय इंटर कॉलेज के रिटायर्ड शिक्षक हरिओम भी कपूर कंपनी का पुल बंद होने की वजह से रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। उसी समय वो मालगाड़ी की चपेट में आ गए। मृतक के तहेरे भाई ने बताया कि कपूर कंपनी पुल बंद था, नीचे से क्रॉस कर रहे थे, जल्दबाजी की वजह से मालगाड़ी की चपेट में आ गए। इसी संदर्भ में एसपी रेल अपर्णा गुप्ता का कहना है कि हमारे यहाँ एक रन ओवर हुआ था, जिसमें 60 प्लस एक व्यक्ति है, उनका रन ओवर हो गया। इसकी बॉडी रिकवर करके पंचायत नामक भी कराई गई। अभी एक हादसा हुआ है, किसके साथ हुआ है? ये मेरे भाई है, तहरे भाई। क्या नाम है उनका? माशा हरिओम जी। किस साइड में हुआ है, कहाँ हुआ है हादसा? ये कपूर कंपनी के पुल पर। कहाँ से आ रहे थे वो? वो प्रकाश की तरफ से आ रहे थे, इधर जा रहे थे बाहर। अच्छा, किस चीज़ से हादसा हुआ है? ये ट्रेन से हुआ है, मालगाड़ी से। किस टाइम की घटना है ये? दोपहर की घटना है। तो किधर मिली उनके? वहीं पे मिली, लास्ट लाइन पे। क्या करते थे वो? जीआरजी इंटर कॉलेज में टीचर थे। परिवार में कौन कौन है इनके? दो बेटे हैं और एक बेटी है। आपको बेटे किस प्रकार मिली? ये जीआरपी थाने वालों की। किस चीज़ से कटी, कुछ पता चला? मालगाड़ी से, पुल पर उसने चक्कर लिया, जल्दबाजी के चक्कर में। पुल बंद था ऊपर? हाँ, पुल बंद था। कपूर कंपनी बंद था। अब तो आप उनके कौन है? तहेरे भाई। देखिए, कल हमारे यहाँ पे एक रन ओवर हुआ था, इसमें एक 60 प्लस एक व्यक्ति है, उनका रन ओवर हो गया था। तो इसकी बॉडी इनकी रिकवर करके पंचायतनामा की कार्रवाई जीआरपी थाना मुरादाबाद द्वारा की गई है। नाम वगैरह कुछ? वो डिटेल सारा है हमारे पास, वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।